इसी के साथ साथ एक और भी रिवायत है, और वो रिवायत है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की। आइए इसका हल्का तारुफ कराएं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करने वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं, इमाम शाबी, आमिर बिन शराहील, सईद बिन जुबैर, अली इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अबू जमरा, कुरैब मौला इब्ने अब्बास, इन सब ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत किया है। शाबी की जो रिवायत है वो सही बुखारी में है, और उसके अल्फाज जब पढ़े जाएं तो पढ़ लेने के बाद जो नतीजा सामने आता है वो ये कि इसमें तादाद का क्लियर तौर पर ज़िक्र नहीं आया है। उसका मुख्तसर यहाँ नोट है, फ़कुम तो लैलतन उसल्ली अन यसारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रात में खड़ा हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ नमाज़ पढ़ने लगा। फ़अख़ज़ा बियदी औ बिअज़्दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा या मेरा कंधा पकड़ा, हत्ता अकामनी अन यमीनी, यहाँ तक कि आपने अपने दाएं ला करके हमको खड़ा कर दिया। तो इस पूरे वाक़े के अंदर नमाज की तादाद का इसमें ज़िक्र नहीं आ सका कि कितनी रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, इस रिवायत के ज़रिए से क्लियर नहीं हुआ। बाकी सईद बिन जुबैर और अली बिन अब्दुल्लाह और अबू जमरा, इन तीन की रिवायत ये दूसरे के अंदर मौजूद है, अभी इसका तज़किरा आएगा इंशा अल्लाह। चौथे जो हैं कुरैब मौला इब्ने अब्बास, इनकी रिवायत यहाँ ज़िक्र की गई है। कुरैब जो कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं और उनके आज़ाद ग़ुलाम भी हैं मौला इब्ने अब्बास, कुरैब से रिवायत करने वाले मखरबा बिन सुलेमान, अमर इब्न दीनार, शरीक इब्न अब्दुल्ला बिन अबी नमिर, सलमा इब्न कुहैल हैं। इन लोगों ने कुरैब से रिवायत किया है और कुरैब ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से। सलमा इब्न कुहैल की जो रिवायत है वो सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। और इसके जो अल्फाज हैं, क़ामा फ़सल्ला फ़कुमतु फ़क़ामा युसल्ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, मैं भी खड़ा हुआ, मैं आपके बाएं खड़ा हुआ, आपने मुझे अपने दाएं कर लिया, नतीजा ज़िक्र करते हैं, फ़ततामत सलातुहु सलासा अशरत रकअ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज 13 रकात मुकम्मल हुई, यानी आपने कुल कितना पढ़ा, 13 रकात आपने पढ़ी। ثم اضطجع فنام, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और सो गए। فآذنه بلال بالصلاة, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو خبر دیا نماز کے بارے میں, فصلى ولم يتوضا, آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تو سلمہ ابن کوہیل جو قریب سے روایت کرتے ہیں ابن عباس سے, ان کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کل 13 رکعت پڑھی۔ دوسرے راوی ہیں شریک ابن عبداللہ بن ابی نمیر, ये भी कुरैब से रिवायत करते हैं। शरीक की ये जो रिवायत है सही बुखारी मुख्तलिफ जगहों पर है और सही मुस्लिम में भी होगी। फतहद्दथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आलिही साह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी के साथ कुछ देर बातें कर रहे हैं। ثم رقد, फिर आप लेट सो गए। فلما كان ثلث الليل الآخر, जब रात का तीसरा पहर हुआ, क़ामा फ़तवज़्ज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने वज़ू किया। फ़सल्ला इहदा अशरता रकअ, और आपने 11 रकात पढ़ी। सुम्मा अज़्ज़ना बिलाल, फिर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी। फ़सल्ला रकअतैन, और 2 रकात आपने पढ़ी। सुम्मा ख़रजा फ़सल्ला सुबह, और फिर आप निकल गए और फजर की नमाज आपने अदा की। गोया कि फजर की 2 सुन्नतें इसके अंदर शामिल नहीं हैं, फजर की 2 सुन्नतें इसके अंदर शामिल, क्योंकि इसमें ज़िक्र है सुम्मा अज़्ज़ना बिलाल फ़सल्ला रकअतैन सुम्मा ख़रजा फ़सल्ला सुबह। तो ये कह रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 11 रकात पढ़ी। ये कौन कह रहे हैं? शरीक, शरीक
क्योंकि कुरैब के शागिर्द सलमा हैं, उन्होंने क्या कहा? 13 रकात। दूसरे शागिर्द हैं शरीक, उन्होंने 11 रकात कहा, और दोनों ने फजर की दोनों सुन्नतों को शामिल नहीं किया है। दोनों में से किसी ने फजर की सुन्नतों को शामिल नहीं किया। आइए तीसरे रावी हैं अम्र बिन दीनार। अम्र बिन दीनार की रिवायत से बुखारी में है, और दोनों अल्फाज से बुखारी में जो मुख्तलिफ जगहों पर इनकी रिवायत है, फसल्ला वरक़द फजाउल मुअज़्ज़िन फ़क़ाम वसल्ला वलम यतवज़्ज़ा। रात में नमाज पढ़ी, सो गए, मुअज़्ज़िन आए, ख़बर दिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और फजर की नमाज़ पढ़े। इसमें तफसील ज़िक्र नहीं है कि रात में कितनी नमाज पढ़ी। दूसरी जो रिवायत है अमर बिन दीनार की, क़ाम मिन अल्लैल युसल्ली, रात में खड़े होकर नमाज़ पढ़े, फ़क़ुम तो अन यसारी, मैं भी खड़ा हुआ, सुम्मा सल्ला माशा अल्लाह, फिर जितना अल्लाह ने लिखा था आपने पढ़ी, सुम्मा नाम, फिर आप सो गए, सुम्मा अताहुल मुनादी, फिर यानी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मुनादी फ़आज़नहु बिस्सलाह, और नमाज की खबर दी, फ़सल्ला वलम यतवज़्ज़ा, आपने नमाज पढ़ी यानी फजर की और वज़ू नहीं किया। इसके अंदर भी वो तफसील नहीं ज़िक्र है जिसको रात की नमाज की तादाद के हवाले से कहा जाए। गोया कि इनकी रिवायत में, अम्र बिन दीनार की रिवायत में और शाबी की रिवायत में उसका ज़िक्र नहीं है। अब एक रावी है मखरमा बिन सुलेमान। मखरमा बिन सुलेमान, मखरमा बिन सुलेमान से कई लोगों ने रिवायत किया है, मालिक इब्न अनस, ज़हाक, इयाज इब्न अब्दुल्लाह अल-फेहरी, अब्द रब्बी इब्न सईद, चार लोगों ने रिवायत किया है। अब्द रब्बी इब्न सईद के की रिवायत सही बुखारी में और सही मुस्लिम में है। उसके अल्फाज हैं, काम फ़कुम तो फसल्ला सलास अशरत रकाअ, नबी सल्लम ने 13 रकात पढ़ी, सुम्मा काम सुम्मा अताहुल मुअज़्ज़िन फ़ख़रज फसल्ला वलम यतवज़्ज़ा। गोया कि फजर की सुन्नतों को जोड़े बगैर 13 रकात का यहाँ पर जिक्र है। किन की रिवायत में? अब्द रब्बी इब्न सईद, जो मखरमा से, और वो कुरैब से, और कुरैब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं। और दूसरी सनद है इयाज इब्न अब्दुल्लाह अल-फेहरी की, ये सही मुस्लिम में है, और इसके अल्फाज नहीं नोट हैं। गोया कि जो आगे ज़िक्र किए जा रहे हैं उन्हीं की तरह से अल्फाज हैं जो आगे ज़िक्र होगा, जिनके अल्फाज मालिक की रिवायत में उन्हीं अल्फाज के साथ। उसके बाद ज़हाक की रिवायत है, ज़हाक जो मखरमा से रिवायत करते हैं। ज़हाक की रिवायत सही मुस्लिम में है, और उसके अल्फाज हैं, बितु लैलतन फ़क़ाम फ़क़ुमतु, रात मैंने बिताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, आप खड़े हुए, मैं भी खड़ा हुआ, क़ाल फ़सल्ला इहदा अशरत रकअ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात पढ़ी? 11 रकात पढ़ी, फ़लम्मा तबय्यन लहुल फ़ज्र सल्ला रकअतैन ख़फ़ीफ़तैन, तो जब फजर वाज़े हो गई तो आपने 2 हल्की नमाज पढ़ी। तो इस रिवायत से भी पता चला, ज़हाक़ की रिवायत से जो मखरमा से रिवायत करते हैं, और वो कुरैब से, और वो इब्न अब्बास से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात पढ़ी है। अब जो रिवायत है मखरमा से रिवायत करने वाले मालिक इब्न अनस, जो इमाम हैं, और इनसे रिवायत करने वाले 7 लोग हैं, इस्माइल, अब्दुल्ला बिन यूसुफ, अब्दुल्ला बिन मसलमा, अब्दुर्रहमान इब्न महदी, और मान इब्न ईसा, कुतैबा इब्न सईद, यहया इब्न यहया। यहया इब्न यहया की रिवायत सही मुस्लिम में, कुतैबा की रिवायत भी सही बुखारी में है, बल्कि सारे लोगों की रिवायत सही बुखारी में है सिवाय यहया इब्न यहया की, सारे लोगों की रिवायत सही बुखारी में है। और इसके जो अल्फाज हैं, फ़नाम हत्ता इदन तसफ़ अल-लैल अव क़ब्लहु बिक़लील अव बअदहु बिक़लील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए यहाँ तक कि जब आधी रात हुई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद, इस्तैक़ज़, आप बेदार हुए, सुम्मा क़ाम युसल्ली, फिर आप नमाज पढ़ने लगे, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, फ़क़ुम तो मैं भी खड़ा हुआ, फ़सल्ला रकअतैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ी, फिर 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 2 रकात पढ़ी, सुम्मा अवतर, फिर आपने वितर किया। ये कितनी बार रकअतैन का ज़िक्र है?
فصلى ركعتين ايك ثم ركعتين دو ثم ركعتين تين ثم ركعتين چار ثم ركعتين پانچ ثم ركعتين چھ چھ دونی بارہ ثم اوتا پھر آپ نے وتر پڑھی ثم استجع حتى اتاه المؤذن مؤذن اس کے بعد آئے فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح پھر اس کے بعد آپ نے فجر کی سنت اور پھر فجر کی نماز پڑھی یعنی اس کی اس تفصیل میں بھی مالک ابن انس کی روایت میں کتنا ذکر ہے 13 رکعت کا ذکر ہے گویا کہ عبداللہ ابن عباس کی یہ جو روایتیں یہاں پہ ذکر ہیں چاہے وہ مخرمہ کی روایت ہو یا سلمہ ابن کوہیل اور شریک ابن عبداللہ کی روایت ہو ان ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض روایات میں 11 کا ذکر ہے اور بعض روایات میں 13 کا ذکر ہے اور فجر کی سنتوں کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے فجر کی سنتوں کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے آئیے بعض اور روایتیں بھی دیکھ لیں عبداللہ ابن عباس کی جو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں ابو جمرہ کی روایت علی ابن عبداللہ ابن عباس کی روایت جو میں نے ذکر کیا تھا سعید ابن جبیر کی روایت سعید ابن جبیر کی روایت یہ کئی ایک روایتیں ہیں اس میں ابو جمرہ کی جو روایت ہے یہ ابو جمرہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے دونوں کے اندر پائی جاتی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کان یصلی من اللیل 13 رکعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی 13 رکعت پڑھتے اور یہ جو دوسری صحیح بخاری کی ہے کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعہ یعنی باللیل رات کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعت تھی ابو جمرہ کی روایت میں 13 رکعت کا ذکر ہے رات کی نماز علی ابن عبداللہ ابن عباس جو اپنے والد عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ان کی یہ روایت صحیح مسلم میں ہے اس کے الفاظ ہیں انہ رقد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستيقظ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سو گئے عبداللہ ابن عباس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے پھر آپ کھڑے ہوئے فصلى ركعتين اور 2 رکعت آپ نے پڑھی فأطال فيها القيام والركوع والسجود خوب لمبا قیام رکوع اور سجود آپ نے ان دونوں رکعتوں میں کیا ثم انصرف فنام اور پھر آپ سو گئے ثم فعل ذلك 3 مرات 6 رکعات ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کیا 6 رکعت پڑھ کر ثم اوتر بثلاث پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھی کتنے ہو گئے 9 اور 2 رکعت یہ پہلے ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام تو 6 اور 2 8 اور 3 کل کتنی رکعتیں ہو گئی ہے 11 رکعت ہوئیں علی ابن عبداللہ کی جو روایت ہے ان کے اندر گویا کہ 11 رکعت کا ذکر ہے اور انہوں نے تفصیل سے بتایا 2 رکعت پہلے آپ نے پڑھی پھر سو گئے اور پھر اٹھے پھر 3 بار ایسے ہی آپ نے پڑھی 3 بار ایسے پڑھی تو 3 دنی خود ہی انہوں نے کہا ثم فعل ذلك 3 مرات 6 رکعات 3 مرتبہ آپ نے پڑھی اور 6 رکعت ہوئی پھر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی اس سے معلوم ہوا اس روایت سے کہ عبداللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 رکعت پڑھی ابو جمرہ میں 13 اور علی بن عبداللہ کی روایت میں 11 عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت کرنے والے سعید بن جبیر ہیں سعید بن جبیر سے روایت بشر جعفر بن وحشیہ نے روایت کی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری میں سعید بن جبیر سے یہ روایت صحیح بخاری میں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فقمت عن یسارہ فأخذ بذؤابتی فجعلنی عن یمینہ اس روایت کے اندر صرف اتنا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے میں بھی کھڑا ہوا اور آپ نے مجھے دائیں طرف اپنے کر لیا وہ نہیں ذکر ہے کہ کتنی رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو گویا کہ سعید بن جبیر کی اس روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے آئیے دوسری روایت دیکھیں حکم بن عتیبہ بھی سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں
और हकम बिन उतैबा से शोबा और सुलेमान, शोबा रिवायत करते हैं और शोबा से आदम और सुलेमान, ये दोनों ही रिवायतें सही बुखारी में हैं। इसके अल्फाज हैं, सल्लल ईशा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज़ पढ़ी, सुम्मा जा इला मंजिल ही फसल्ला अरबा रकात, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए और चार रकात आपने पढ़ी, सुम्मा नाम, फिर आप सो गए, सुम्मा काम, और फिर आप खड़े हुए, फिर आप खड़े हुए, सुम्मा काम, फकुम तो, और मैं आपके साथ खड़ा, फसल्ला खमसा रकात, पहले कितना पढ़ा था, चार, फिर बाद में कितना पढ़ा, फसल्ला खमसा रकात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांच रकात पढ़ी, सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर दो रकात पढ़ी, सुम्मा नाम, सुम्मा खर्ज इलस्सला, जोड़ें कितना हुआ, चार और पाँच नौ और दो ग्यारह। इस रिवायत से पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्यारह रकात पढ़ी, चार रकात पढ़ी, फिर पांच रकात पढ़ी, फिर दो रकात पढ़ी, सुम्मा नाम, फिर सो गए, सुम्मा खर्ज इलस्सला, फिर आप नमाज के लिए निकल गए। इस रिवायत को जहन में रखिएगा, अभी आगे चल करके इस पर मज़ीद गुफ्तगू करनी है। हकम बिन उतैबा की इस रिवायत के बाद, जो कि सही बुखारी की है, अब्दुल्ला बिन सईद बिन जुबैर, सईद बिन जुबैर के बेटे, इनकी ये रिवायत सही बुखारी में है। वो फरमाते हैं, बित्तु इंद खालती फ़काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिन अल्लैल, मैं अपने खाला के यहाँ यानी मैमूना, मैं अपने खाला के यहाँ रात गुजारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए उठे, फ़कुम तो, मैं भी उठा, उसल्लिमा हो नमाज़ पढ़ने के लिए। इसमें तादाद का जिक्र नहीं है, इसमें तादाद का जिक्र नहीं है, ये भी मसला ख़त्म हो गया। ये आखिरी सनद है, यह है इब्ने अब्बाद, अब्दुल मजीद इब्ने सुहैल, अब्दुल अजीज़ इब्ने मोहम्मद दरावर्दी, और उनसे दो लोग रिवायत करने वाले हैं, कानबी मोहम्मद इब्ने अली इब्ने उमुल रफी, रिवायत सुनन नसई में है, सुनन नसई कुबरा 1344 नंबर, और दूसरे रावी हैं कुतैबा, उनकी रिवायत अबू दाऊद में है 1358। तो यह है इब्ने अब्बाद की जो रिवायत है, इसके अल्फाज हैं, फसल ثم قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم اوتر بخمس ولم يجلس لم يجلس بينهن। यह इब्ने अब्बाद की जो रिवायत है सईद बिन जुबैर से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हुए, फसल ركعتين ركعتين, दो दो रकात आप पढ़ते रहे, حتى صلى ثمان ركعات, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आठ रकात पढ़ गए, कितना, आठ रकात पढ़ गए, सुम अवतरा बिखम्स, फिर आपने पांच रकात वितर पढ़ी, लम यजलिस बैनहुन, उसके बीच आप बैठे नहीं, लम यजलिस बैनहुन, उसके बीच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बैठे। तो आठ और पांच तेरह, आठ और पांच तेरह, इसमें भी तेरह का जिक्र है। अब देखना यह है कि ये जो तेरह वाली रिवायात हैं, ग्यारह वाली रिवायात तो क्लियर है, तेरह वाली जो रिवायात हैं, इन तेरह वाली रिवायात का सही मफहूम क्या है, कि इसमें कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। अल्लामा अल्बानी फरमाते हैं, वयुहतमलु अन तकून अज़्ज़मीमत रकअतै सुन्नत अल-इशा अल-बादी अहयानन, कभी कभार इशा की दो सुन्नतों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है, इशा की दो सुन्नतों को, दो रकात को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। कहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि कोई ऐसी सरीह हदीस आई हो जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी हो और फिर उसकी दो सुन्नतों का भी जिक्र हो, कि दो सुन्नतें आपने पढ़ ली हैं और फिर ग्यारह रकात या तेरह रकात का उसके अंदर जिक्र आया हो। यानी इसका जिक्र सराहत के साथ आया हो कि ईशा की रकात भी आपने पढ़ ली हो और फिर ये सराहत भी आई हो कि उसके अंदर तेरह रकात नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज़ों में पढ़ी है और उसके बाद फिर
उन्होंने ज़िक्र किया कि एक रिवायत ऐसी है कि जिससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज के बाद वही सुकिया वाली रिवायत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी ثم صلى 13 रकात सजदा, फिर आपने 13 रकात नमाज पढ़ी रात की नमाज। तो ये जो 13 रकात है इसमें 2 रकात इशा की नमाज के बाद की 2 सुन्नतें हैं। और फिर इसकी सनत पर उन्होंने कलाम किया है, मगर इसकी शाहिद होने की वजह से ये रिवायत हसन दर्जे तक पहुंच जाती है। और इसकी तायीद इस रिवायत से भी हो रही है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की, ये जो हकम वाली रिवायत है शोबा वाली रिवायत, इस रिवायत से भी इसकी तायीद हो रही है। कैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपने घर तशरीफ़ लाए और घर में 4 रकात आपने पढ़ी। ईशा की सुन्नत कब पढ़ी? घर में। तो अगर इसमें से 2 रकात ईशा की सुन्नत कर लें और 2 रकात रात की नमाज, तो 2 रकात ही बचती है। फिर आप सो गए और फिर आपने 5 रकात पढ़ी, 5 रकात। तो जब 2 ही रकात ये हुई और 5 रकात ये, तो ये 7 हुई। यहाँ कुछ रकात का ज़िक्र नहीं आया, मुख्तसर में इसे ज़िक्र कर लिया गया, यानी रात की नमाज का मुकम्मल इसके अंदर तस्करा ना करके इख्तिसार से रावी ने काम लिया कि शुरू नमाज का और आखिर नमाज का तस्करा किया, बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया इख्तिसारन रावी ने ज़िक्र नहीं किया। बीच में जैसे यहाँ 4 रकात है, फिर और 4 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, और सईद इब्ने जुबैर ही की दूसरी सनद के अंदर उसका ज़िक्र मौजूद है, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा सईद इब्ने जुबैर ही की तो रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात पढ़ी फिर 5 रकात पढ़ी, सईद बिन जुबैर ही की रिवायत में है। फिर उसके बाद फसल्ला रकातैन रकातैन हत्ता सल्ला 8 रकात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 रकात पढ़ते रहे यहाँ तक कि 8 रकात पढ़ी, फिर 5 रकात आपने वितर पढ़ी। और 8 और 5 जब 13 है तो इसके अंदर की 2 सुन्नतें अगर ईशा की जो 4 और रकात हैं कि 8 रकात तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 करके पढ़ते रहे, तो 4 का तस्करा करके रावी ने खामोशी इख्तियार की और फिर आखिर में जो 5 रकात वितर पढ़ी जिसके बीच में आप नहीं बैठे, फिर उनका तस्करा आ गया वसल्ला 5 रकात। और इस तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 11 रकात पढ़ी, और ईशा की 2 सुन्नतें इसके साथ अगर जोड़ ली जाएँ जैसा कि इस रिवायत से क्लियर और वाज़ह समझ में आता है, ये रिवायत और यह इब्ने अब्बास की रिवायत को अगर दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए और ये दोनों सईद बिन जुबैर से रिवायत कर रहे हैं, तो बात क्लियर तौर पर यह समझ में आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज़ पढ़ी, घर आए जा इला मंजिल ही अपने घर आए और आपने 2-2 रकात करके 4 रकात पढ़ी, फिर सो गए फिर उठे फिर 2-2 करके आपने 4 रकात पढ़ी, फिर सो गए फिर उठे फिर आपने 5 रकात पढ़ी जैसा कि इस रिवायत के अंदर भी मौजूद है, और फिर फजर के वक्त में आपने 2 सुन्नत पढ़ी और मस्जिद तशरीफ ले गए। तो इससे ये क्लियर और वाज़ह हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 11 रकात पढ़ी, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की इस रिवायत से पता चलता है कि कुल 11 रकात ही पढ़ी, जिन रिवायात के अंदर 13 का जिक्र है उसमें ईशा की 2 सुन्नतों को भी शामिल कर लिया गया है, जैसा कि इन रिवायात के ज़रिए से ये बात सामने क्लियर तौर पर आ रही है कि ये 13 का जिक्र ईशा की 2 सुन्नतों को जोड़ करके है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अक्सर रिवायात के अंदर 13 का जिक्र फजर की 2 सुन्नतों को जोड़ करके है, उसके बाज़ रिवायात में जैसे हिशाम की जो रिवायत है उसमें ईशा की 2 सुन्नतों को जोड़ लिया गया। तो ईशा की 2 सुन्नतों को जोड़ना या फजर की 2 सुन्नतों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद 13 रकात पहुँचती हैं, और अगर उन दोनों सुन्नतों को ना जोड़ी जाए तो कुल टोटल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात ही पढ़ते थे, उससे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज़ नहीं पढ़ते थे।
इन दोनों रिवायात का खुलासा और नतीजा यही आया। और तीसरी जो मशहूर रिवायत है वह है ज़ैद इब्न खालिद अल जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसके हवाले से पिछले दर्स के अंदर मैंने ज़िक्र किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ को देखने के लिए वो तशरीफ़ लाए कि मैं देखना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं। लार मुकन्न सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लैला फसल्ला रकअतैन खफीफतैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हल्की नमाज़ पढ़ी, थुम्म सल्ला रकअतैन तवीलतैन तवीलतैन तवीलतैन, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी लंबी दो रकात पढ़ी, थुम्म सल्ला रकअतैन वहुमा दून अल्लतैन क़ब्लहुमा, 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 थुम्म औतर फ़ज़ालिका थलाथ अशरत रकअ। ये कुल 13 रकात सही मुस्लिम और सही बुखारी की जो रिवायत है, इससे पता चलता है कि ये 13 रकात में दो हल्की रकात को इसके अंदर दाखिल मान लिया गया, इसलिए इसे 13 की तादाद के तौर पर ज़िक्र किया गया। वो दो हल्की रकात जिनके हवाले से इससे पहले भी ज़िक्र किया जा चुका कि रात की नमाज़ का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हल्की रकात के साथ करते थे, और उम्मत को भी आपने ताकीद किया कि जब कोई शख्स रात की नमाज़ को शुरू करना चाहे तो दो हल्की रकात के ज़रिए से इन नमाज़ों का आगाज़ करें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी है और हिदायत भी है। तो अगर इन दो हल्की रकात को जोड़ ली जाए तो 11 के साथ जोड़ने के बाद ये रकात 13 बनती हैं, और न जोड़ी जाएँ तो वो कुल 11 रकात बनती हैं, जैसा कि इस रिवायत के अंदर जो अभी मैंने पढ़ी कि 6 बार दो दो रकात का ज़िक्र है, पहले में हल्की का ज़िक्र है और उसके बाद फिर लंबी रकात का ज़िक्र है इन बाकी पांचों के अंदर, और फिर आपने वित्र पढ़ी, और इस तौर पर कुल 11 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत के अंदर भी, जो कि ज़ैद इब्न खालिद अल जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर रिवायत है। गोया कि ये सही तरीन जो रिवायात हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि इन रिवायात का आपस में टकराव है, तो ये टकराव नहीं है, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर कुछ चीज़ें सामने ना होने की वजह से ये टकराव सामने आती थी। लेकिन अगर इन हकायक को सामने रखी जाए कि रावी ने जोड़ते वक्त कभी फजर की दो सुन्नतों को जोड़ लिया तो 11 के बजाय 13 हुआ, कभी ऐशा की दो सुन्नतों को जोड़ लिया तो 11 के बजाय 13 हुआ, और कभी रात की वो दो हल्की रकातों को जिससे आप रात की नमाज़ों का आगाज़ करते थे उनको अगर जोड़ लिया गया तो 11 के बजाय 13 कह दिया गया, और जिसने नहीं जोड़ा उन्होंने सीधा सीधा 11 रकात का तذکرہ किया। बज़ाहिर इसमें कोई तारुज़ नहीं, किसी तरह का कोई टकराव नहीं, साफ़ सुथरी रिवायात हैं और सहीहैन की रिवायात हैं, काबिल अमल रिवायात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह सुन्नत है, और सारी रिवायतें एक दूसरे की तायीद कर रही हैं, ना कि एक दूसरे के मुखालफत में उन्हें पेश किया जाए, बल्कि एक दूसरे की तायीद के तौर पर इन्हें पेश किया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर नमाज, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज जो ज़िंदगी के आम हालात में आपने अदा किए हैं वो रात की नमाज कुल 11 रकात ही रही हैं। इसलिए इस सुन्नत को, जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सुन्नत है और बिताकीद आपने उसका एहतमाम फरमाया है, हम मुसलमानों को भी आपकी इस अज़ीम सुन्नत को बेदार रखने और इसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। रब करीम हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।